मेरा नाम डॉक्टर शरद कुमार राय है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में, और पिछले लगभग 10 सालों से गाजीपुर में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ सवाल जो है पब्लिक की तरफ से या पेशेंट की तरफ से पूछा गया था, तो उस सवाल के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर यूजिंग द बेबी लोशन और क्रीम टू मेंटेन द स्किन हाइड्रेशन, कि हम कौन सा ऐसा क्रीम या हम लोशन यूज करें जिससे कि स्किन का हाइड्रेशन बना रहे। बेसिकली बेबी का जो स्किन होता है ना, ये बताना चाहते हैं कि बेबी का स्किन जो होता है ये मतलब जो नॉर्मल जो हमारा 7 पॉइंट वो होता है न्यूट्रल जो पीएच होता है उसे जस्ट नीचे, मतलब 5.5 से लेकर 6.5 तक का पीएच होता है बेबी के स्किन का। तो उससे रिलेटेड ही हमको जो भी प्रोडक्ट यूज करना है पीएच पे ध्यान देना पड़ेगा कि पीएच उससे रिलेटेड ही हो, न कि हम कोई एडल्ट का हम पीएच यूज करें या हम कोई बीच का ऐसा कोई प्रोडक्ट हम चूज करें जो कि इसके स्किन के पीएच को मैच ना करे। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, वाई नेसेसरी टू अवॉइड यूजिंग द हार्श और सेंटेड प्रोडक्ट्स दैट मे इरिटेट द बेबीज स्किन। बेबी स्किन जो होता है बेसिकली बहुत ही एक डेलिकेट टिश्यू है, इस पे हम जरा सा भी कुछ हम इस तरह की कुछ चीज लगाते हैं तो उसको इरिटेशन या कई तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो उसमें जो भी चीज हम यूज करें तो ज्यादा कोई क्रूड ऑयल टाइप का नहीं होना चाहिए या कोई ज्यादा रफ जैसी चीजें नहीं होना चाहिए, एकदम जो भी कंडीशन हो उस चीज से मैच करता रहे, पीएच मैच करता रहे। सेंटेड प्रोडक्ट जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है बच्चे के लिए, तो इस तरह के प्रोडक्ट हम न यूज करके ज्यादा बेटर रहेगा। कोई सेंटेड प्रोडक्ट न यूज करें, जो भी पाउडर यूज करें उसका मिनिमम पार्टिकल्स जो है बेबी के लिए सुटेबल स्किन का उससे रिलेटेड हम यूज करें, तो इस तरह की चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ये चीजें हैं कि जो भी हम यूज करते हैं आज के डे टू डे में उसको हम जैसे कॉस्मेटिक पर्पज से ना चुने, जो भी बेबीज का स्किन रिलेटेड है तो बेबीज के स्किन रिलेटेड से ही वो प्रोडक्ट हम यूज करें, ना कि कॉस्मेटिक पर्पज से ये देखने कि हमको ये पाउडर पसंद है तो कॉस्मेटिक वाली चीजें हम लगाएं। और स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि थोड़ा सा भी स्किन में किसी तरह का रैशेज आ गया या कोई स्किन में ब्रीच आ गया, ब्रीच मतलब कि स्किन में कहीं से डैमेज हो गई, तो बच्चे को इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, और एक बार स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा तो उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों में। तो स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्किन के अलावा जैसे हम लोग और सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो स्किन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे के लिए, केयर के लिए, क्योंकि सारा कुछ जो एडवर्स जो रिएक्शन होते हैं जो एनवायरमेंट को जो फेस करने वाला सबसे पहला जो हमारे पास में सामने होता है वो स्किन ही होता है, तो स्किन का केयर रखना।